स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करने के बाद में जाइए उत्तराखंड में। सारे स्टेट्स के नाम यहाँ पे आपके सामने खुल गए होंगे इंटरफेस में। उत्तराखंड पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उत्तराखंड पे क्लिक करते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज जो उत्तराखंड में चलती हैं, टोटल 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। जो NIRF की जो रैंकिंग है वो सिर्फ 100 तक की रैंकिंग डली हुई है। आप 2022 में भी अगर आप जाओगे तो 2022 की जब आप लिस्ट देखोगे तो वहां पर भी जो 100 की लिस्ट है वहां पर इस यूनिवर्सिटी का नाम आएगा नहीं। दोस्तों, हालांकि जितनी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज चलती है, जो ऑनलाइन कोर्सेज करवाती है, साथ में ही डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेती है। डिपेंड करता है कि NIRF में रैंकिंग उस यूनिवर्सिटी की क्या है। अगर यूनिवर्सिटी बिलो 100 है, मतलब कि अंडर 100 अगर रैंकिंग आती है NIRF की, तो NIRF के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज अपने चला सकती है। और साथ में अगर डिस्टेंस एजुकेशन को यूनिवर्सिटी चला रही है तो मतलब कि ये कि अभी NIRF की रैंकिंग उनके पास नहीं है। इवन NAC का जो ग्रेड मिलता है A+ का, वो भी उनके पास नहीं है, या फिर अगर है तो NIRF उनके पास अभी नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिलों में होते हैं, बट मैं आपको बताऊं, कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि करवाती हैं ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज में हालांकि डिफरेंट तरह के कोर्सेज होते हैं, जैसे BBA कर सकते हो, BCA कर सकते हो, MBA कर सकते हो, MCA और BAB, और भी ऐसे कई सारे कोर्सेज जो आप ऑनलाइन मोड पर कर सकते हैं, जिसमें कि आप ऑनलाइन ही एग्जाम्स देंगे, ऑनलाइन एडमिशन लेंगे, साथ में ही स्टडी भी आप ऑनलाइन करेंगे। ऐसी कई सारी चीजें जो ऑनलाइन बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों आप लोगों कई सारे हमारे पास मैसेजेस आए, व्हाट्सएप भी आए, और साथ में पिछले हमारे वीडियोस में जो आपने कमेंट किए कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी पर हम एक वीडियो बनाएं, यूनिवर्सिटी UGC पर कहां रैंक करती है, ऐसे कई सारे सवाल जो आपने हमसे पूछे थे, आज उन सभी पर डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को जानने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी जब बनती है सबसे पहले UGC का अप्रूवल लेती है। UGC पर लिस्ट होने के बाद में, मतलब UGC पर जब यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है, उसके बाद कई सारे कोर्सेज वो यूनिवर्सिटी चलाना शुरू कर देती है, जैसे सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UGPG प्रोग्राम, साथ में रिसर्च भी। आप कैसे चेक करेंगे UGC पर इस यूनिवर्सिटी को? सबसे पहले दोस्तों आपको UGC की वेबसाइट पर जाना होगा, www.ugc.ac.in। जैसे ही आप UGC की वेबसाइट खोलते हैं, UGC की वेबसाइट खुलने के बाद में टैब बना है यूनिवर्सिटीज का। यूनिवर्सिटीज पर आप जाएंगे तो यहाँ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करेंगे। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करने के बाद में जाइए उत्तराखंड में। सारे स्टेट्स के नाम यहाँ पे आपके सामने खुल गए होंगे इंटरफेस में। उत्तराखंड पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उत्तराखंड पे क्लिक करते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज जो उत्तराखंड में चलती है, टोटल 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सभी 21 यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। और इसमें आप चेक करते हैं, 21वें नंबर पर सबसे लास्ट में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.uudoon.in, यह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, 21वें नंबर पे इस यूनिवर्सिटी का नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि रैंक में 21वें नंबर पे आती है। अल्फाबेटिकली यहाँ पर नाम डले हैं, उसी के हिसाब से इस यूनिवर्सिटी को 21वें नंबर पे डाला है। यू से नाम शुरू होता है यूनिवर्सिटी का, इसीलिए 21वें नंबर पर है। और यूनिवर्सिटी जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, उसकी वेबसाइट के बाद में आप ये समझिए कि यूनिवर्सिटी 2013 में बनी है। 15 फरवरी 2013 से यूनिवर्सिटी एडमिशंस ले रही है। देखा जाए लगभग 10 से 11 साल इस यूनिवर्सिटी को हो चुके हैं एडमिशन लेते हुए। मोर डिटेल्स में जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिटेल्स खुल जाएगी, VC साहब की, रजिस्ट्रार साहब की, और यूनिवर्सिटी की जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो सब। VC साहब कौन है इस यूनिवर्सिटी के? प्रोफेसर डॉक्टर धर्म बुद्धि, और साथ में ही उनका फोन नंबर भी मेंशन है, मेल आईडी भी मेंशन है। अगर आपको कोई भी ऐसा काम होता है जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ नहीं सुन रहा आपकी बातों को, तो सीधा आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर हम रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन की बात करें, मिस्टर SC शर्मा, यह है यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, उनका फोन नंबर, उनकी मेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन है, यहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों NIRF की, तो NIRF की रैंकिंग में अंडर 100 की बात करें तो यहाँ पर आप देख नहीं पाओगे इसकी जो रैंक है, क्योंकि जो NIRF की जो रैंकिंग है वो सिर्फ 100 तक की रैंकिंग डली हुई है। आप 2022 में भी अगर आप जाओगे तो 2022 की जब आप लिस्ट देखोगे तो वहां पर भी जो 100 की लिस्ट है वहां पर इस यूनिवर्सिटी का नाम आएगा नहीं। पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी NAC A+ है, इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑनलाइन सभी कोर्सेज चला सकती है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कोई भी आपके डाउट हो, इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें, हम उन टॉपिक्स को क्लियर जरूर करेंगे, वीडियो लेकर आएंगे ताकि सभी तरह के डाउट्स आपके हम क्लियर कर सकें।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी पर हमने जो ये वीडियो बनाया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।